हम लोग आ जाए हैं। हम लोग लखीमपुर ज़िले और सीतापुर ज़िले के चार गांव में जा रहे हैं और उन परिवारों में हम लोग जा रहे हैं जिनके परिवार में पिछले 3 से 5 महीने में लोगों ने आत्महत्या की है फसल नष्ट होने के कारण। लोग यहाँ पे आए हैं लखीमपुर खीरी और सीतापुर ज़िले में। हम आज चार गांव में जाने वाले हैं और हम उन परिवारों के बीच में जा रहे हैं जिनके घर में जो मुख्य कमाने वाला सदस्य था उसने आत्महत्या की अपने फसल नष्ट होने के कारण, अपने कृषि को बर्बाद होने के कारण। मेरी सोच ये है कि हम लोग सीधे लोगों के पास जाएं। 10 साल पहले हम सुनते थे विदर्भ में, तेलंगाना में कि किसान आत्महत्या कर रहा है और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश हमारे घर तक ये घटनाएं घटेंगी। लेकिन आज कोई ऐसा सप्ताह नहीं है जहां हम लोग अखबार में और टीवी में नहीं देखते हैं कि किसान गरीबी के कारण और चिंता के कारण ये गंभीर कदम उठा रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे किसी के पास जाके अपने से मदद करने से पूरी गरीबी प्रदेश के दूर तो नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि ये एक छोटा सा कदम है लेकिन मैं इसको एक महत्वपूर्ण कदम मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि ये एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है जिसमें केवल एक दूसरे के प्रति वार के अलावा हम एक सकारात्मक पहल गरीब जनता के तरफ उठाएं और जो ये लोगों को मजबूर करे और भी मदद गरीबों की करने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि सब दल के और सब जिम्मेदार देशभक्त सोचने वाले विचारक जितने हैं वो इसमें, इस मुहिम में साथ दें क्योंकि वरुण गांधी का इसमें कोई भला नहीं है। मैं ना किसी के पास राजनीतिक बात करने जा रहा हूँ, ना वोट मांगने जा रहा हूँ। मैं एक विनती के साथ जा रहा हूँ, एक इंसानियत की विनती के साथ कि हम लोग जो कृषक, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जो देश को विपरीत परिस्थितियों, बाढ़ सूखे में सुरक्षित रखने वाला इंसान है, वो मुश्किल में ना पड़े, वो इस चिंता में ना पड़े कि जब मैं संकट में हूँ तो मैं अकेला खड़ा हूँ।